तेलंगाना में 24 घंटों के दरमियान 1983 कोरोना के केसेस बशमूल जीएचएमसी 242 मजमू तादाद 2,02,594 को पहुंच गए। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 4,256 कोरोना के केसेस मजमू तादाद 7,23,512 को पहुंच गए। दुबाका ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए दौलत की तकसीम के लिए 40 लाख रुपए मुंतकली करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार करके रकम को जब्त कर लिया। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के दरमियान जारी आबी वसाइल तनाजे के हल के लिए आज एपेक्स काउंसिल का इजलास मुनक़िद होगा। मोइन आबाद इस्मत रिजी व कत्ल के मुलजिम मधु यादव के खिलाफ तहकीकात में पेशरफ्त। अकलीती कमीशन के इजलास पर खम्मा मराजी मामले की समाअत चेयरमैन मोहम्मद कमरुद्दीन ने ज्वाइंट कलेक्टर को जांच और कार्रवाई की हिदायत दी। जिला खम्मा में दिलखराश वाकया कमसिन लड़की की इस्मत रेजी के बाद जलाने की कोशिश मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज। LRS स्कीम की फीस अदा न करने कांग्रेसी रुकन पार्लियामेंट का अवाम को मशवरा। TRS के सीनियर कैद श्रीनिवास रेड्डी आज उत्तम कुमार रेड्डी की सरपरस्ती में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करेंगे। मुल्क में 24 घंटों के दरमियान 61,266 कोरोना के नए केसेस 66,85,063 को पहुंच गए। केरला में CPI के एक कायद का कत्ल। कॉटस मामले में चंद्रशेखर समेत भीम आर्मी के 400 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दुनिया में 24 घंटों के दरमियान 2,64,209 कोरोना के केसेस मजमू तादाद 3,56,95,407 को पहुंच गए। दुनिया में 10 में से एक फर्द कोरोना से मुतासिर WHO। लड़कियां बदसलूकी के खौफ से सोशल मीडिया छोड़ने पर मजबूर। मेंबर पार्लियामेंट और कालंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT और कालंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस KISS के बानी डॉक्टर अच्युत सामंत का कहना है कि मुल्क में खर्च की जाने वाली कुल रकम का 40% बच्चों की तालीम पर खर्च किया जाना चाहिए ताकि कौम की बुनियाद मजबूत हो सके। बरतानिया विजय माल्या की हवालगी पर अमल नहीं कर रहा है, मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में कहा खुफिया कार्रवाई जारी रहे। मोमरीन की सेहत पर हमारी गहरी नजर, सऊदी वजारत सेहत। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने आज चीन की जानिब से किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए फौज ने हर जगह पर तैनाती कर रखी है और वो दो महाज पर एक साथ निपटने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 3 दिन बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया।